हमारे साथ इस वक्त सिंघम रिटर्न्स की टीम है, हमारे साथ हैं लेडी सिंघम करीना कपूर, हमारे साथ हैं बाजीराव सिंघम अजय देवगन, और सिंघम रिटर्न्स को बनाने वाले हमारे साथ हैं रोहित शेट्टी। हम इन सबसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि सिंघम रिटर्न्स और सिंघम में क्या अंतर है और लेडी सिंघम किस अवतार में नजर आएंगी इस फिल्म में। करीना, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये लेडी सिंघम अवतार आपका क्या है इस फिल्म में? एक्चुअली इस फिल्म में मेरा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फन रोल। रोहित शेट्टी की फिल्म है तो ऑफकोर्स सब एक्शन देखने तो आएंगे, बट कॉमेडी के बिना करीना ने भी एक्शन किया है। आई मीन एक्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जो रोहित मुझे हर फिल्म में कुछ ना कुछ कराते रहता है, ही ऑलवेज मेक्स मी डू समथिंग फन। तो इस फिल्म में लिटिल बिट ऑफ एक्शन, जैसे एक मीडिया वाले को थप्पड़ भी मारा है मैंने। आप ये सिंघम रिटर्न्स किस तरह से आपको फिल्म पसंद आई, उसका आगे कहानी बढ़ रही है इस फिल्म में सिंघम की? आई थिंक सिर्फ कैरेक्टर ही उठाया, कैरेक्टर ही खाली है, उसके अलावा नहीं है। हाँ, पूरी नई कहानी है, पूरा नया सेटअप है, सब कुछ नया। एक ये सवाल शायद करीना को पूछना चाहिए, लेकिन करीना की तरफ से मैं पूछ रही हूँ कि करीना की याद आपको रिटर्न्स में क्यों आती है? गोलमाल रिटर्न्स में आई, सिंघम रिटर्न्स में आई? हाँ, मैंने भी सोचा है कई बार कि रिटर्न्स में करीना आती है, जब भी आती है फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, सो इसलिए इस बार हमने इनको लिया। अब याद है, रिटर्न्स हमेशा बड़ी होती है, तो इनके नखरे झेलना और इनको अफोर्ड करना हम रिटर्न्स में ऐसे क्या अजय, ऐसे क्या नखरे, ऐसे क्या चीजें दिखाई इन्होंने शूटिंग के दौरान जो आपको लगा है कि रिटर्न्स ही ठीक है? बिल्कुल, दे पैम्पर मी अ लॉट, और ये सब मैं सिर्फ रोहित और अजय के साथ करती हूँ, क्योंकि हर जगह नहीं चलता है। दे आर मोर देन फैमिली, सो दैट्स व्हाई यू नो दे अलाउ मी। करीना वैसे कहती है मुझे स्टंट से बहुत डर लगता है, लेकिन आपकी फिल्म में स्टंट भी कर देती है। हाँ, वो मतलब भरोसा है शायद मुझ पर, इसलिए नहीं इतनी कार वगैरह लाते हैं तो कहीं गिरा वरा देंगे कुछ ऐसा? इम्पॉसिबल, रोहित इज वन डायरेक्टर, ब्लाइंडली आई कैन डू व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ स्टंट, क्योंकि मुझे पता है दैट ही विल नॉट लेट एनी ऑफ हिज एक्टर्स डू इट अनलेस ही ट्राइज इट फर्स्ट हिमसेल्फ। अजय, आपकी और रोहित की जोड़ी, मतलब आप लोग जब साथ में आते हैं तो सुपर डुपर हिट फिल्म देते हैं, इस फिल्म से क्या उम्मीद है आप लोगों को? आपको क्या उम्मीद है? आपकी फिल्म है, अजय साथ है और करीना साथ है, सुपर हिट फिल्म है, उससे कम कुछ नहीं। बस हो गई बात। हम भी यही चाहते हैं। आई थिंक इस फिल्म में प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि कई फिल्में सुपर हिट होती हैं लेकिन वो इतनी ज्यादा सीक्वल के लायक नहीं होती है, कि मतलब ऑडियंस ने एक बार देख लिया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, बट ये फिल्म फिर टेलीविजन पे और उसके बाद भी इतनी ज्यादा चली है कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी और उससे प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। तो जब तक सही स्क्रिप्ट नहीं मिला और फिर डेढ़ साल वो उतने स्क्रिप्ट पे काम किया है इस पे, क्योंकि जो देखने जाएगा वो ये ना बोले कि वन बेटर थी, तो रिटर्न्स को उससे बेटर होना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो इस फिल्म के बाद सिंघम जब रिलीज हुई थी उसके बाद जो पुलिस वालों के लिए लोगों का नजरिया था वो बदला था, ये चीजें विजिबल दिखी थी, और जब कोई अच्छा काम करता था पुलिस वाला तो उसको सिंघम कहा जाता है, तो इस चेंज को आप किस तरह से देखते हैं आप दोनों खासतौर पर? ये जो कुछ भी हुआ सिंघम के बाद, जो रिस्पेक्ट पुलिस वालों को मिली या हमें भी मिली, तो वही हमारा इंस्पिरेशन था कि सीक्वल बनाया जाए, और इसीलिए हमने सीक्वल बनाया भी। एंड आई होप कि उनको ये फिल्म भी पसंद आए, खासकर ये पुलिस वालों को। दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू देम। और ये फिल्म करीना 15 अगस्त को रिलीज हो रही खासतौर पे, तो क्या आपके संग कुछ 15 अगस्त की जुड़ी हुई बचपन की यादें हैं, कोई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ये दिन भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें बचपन की? बचपन में सिर्फ 5:30 बजे सुबह उठाया जाता था, फ्लैग होस्टिंग के लिए स्कूल जाना पड़ता था, सो आई यूज्ड टू गेट रियली इरिटेटेड दैट यू नो जल्दी उठना पड़ता है, बट उसके बाद द होल डे वाज अ हॉलिडे, सो इट वाज फन। अजय, सिंघम है भ्रष्टाचार से लड़ता है, करप्शन से लड़ता है, 15 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, नेताओं वाली थोड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति करप्शन से लड़ रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है? देखिए, पहले तो ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि ये कोई मैसेज दे, जैसे सिंघम मन थी, मैसेज अपने आप ही आया। हाँ। और इसमें भी ये भी एक एंटरटेनिंग फिल्म है और मैसेज अपने आप ही आएगा, क्योंकि कैरेक्टर करप्शन से लड़ रहा है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म में हम लोग एक स्टेप और आगे गए हैं, क्योंकि सिंघम के साथ यूथ और मीडिया, जो आज बहुत ज्यादा जरूरी है करप्शन से लड़ने के लिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो भी जुड़ता है सिंघम के साथ। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी स्वीट मैसेज के यू नो एवरीबडी कैन बी अ सिंघम, और सिंघम का मतलब ये नहीं है कि आप जाके लड़े या लोगों को मारे,
आप कोई भी अच्छा काम करें, दैट इज योर सिंगम मोमेंट। रोहित, इस फिल्म को जब आपने आगे बढ़ाने की सोची तो आपके दिमाग में क्या था, मतलब आपने क्यों सोचा कि इसका सीक्वल बनाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं जब सिंघम रिटर्न्स को? जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि जब सिंघम 1 रिलीज हुई और जिस तरह से लोगों को पसंद आई, पुलिस वालों को, आम आदमी को, फिल्म ये फिल्म टेलीविजन पर काफी चली करीबन 3 साल, आज भी आती है। सो वी वर लाइक के लोगों को इतनी पसंद आई और फिर हमें एक कहानी ऐसी मिली जो हमें लगा कि हम सिंघम का सीक्वल बना सकते हैं इस कहानी को लेकर, इसीलिए ये फिल्म बनाई है। अजय, आप रियल लाइफ में कितने सिंघम हैं, आप कितना खुद को रिलेट करते हैं? आई रियली डोंट नो, बट मैं जरूर कनेक्ट करता हूँ जो सिंघम काम करता है। आई थिंक कोशिश यही रहती है, लेकिन आई थिंक पर्दे पे आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ सुपर हीरो, बट जितना जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है सब मैं बिलीव करता हूँ। अगर आप हीरो नहीं होते तो क्या आप पुलिस में होते? आपके स्टंट्स देख के ऐसा लगता है पता नहीं हीरो नहीं होता तो क्या होता या बट द यूनिफॉर्म एक्साइट्स मी, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो कोई भी यूनिफॉर्म हो, चाहे वो वॉचमैन की छोड़ के, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, व्हाटएवर, इट रियली एक्साइट्स यू। करीना, इस फिल्म में कॉमेडी का जो है वो कॉमेडी सारा आपके ऊपर है कि आपने कॉमेडी की है, बहुत अच्छी कॉमेडी की है। कॉमेडी करना कितना मुश्किल होता है आपको लगता है? आई थिंक मुझे लगता है दैट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, जैसे गोलमाल 3 हो या जब भी मैट हो और इवन सिंघम 2, कॉमेडी करना तो आई थिंक इज वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे हमेशा जब भी रोहित ने रोल दिया है इट्स ऑलवेज बिन इन दिस कॉमिक अवतार। आई मीन आई डोंट नो व्हाट एक है कि ही लाइक्स टू सी मी इन दोज एनर्जेटिक काइंड ऑफ रोल्स। लेकिन रोहित को आप पे बहुत भरोसा है, शायद चेन्नई एक्सप्रेस में भी आप नजर आएंगी, बनने वाली है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं वो बनने वाली है या नहीं, बट ऑफ कोर्स भरोसा है एंड आगे जाके आई वांट टू वर्क विद हिम, बट इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। रोहित, आपके फिल्म में जो एक्शन होता है वो एक स्टेप आगे जाके हर फिल्म में देखने को मिलता है, इस फिल्म में क्या नया एक्शन है जो आपने डाला है? कोशिश की है कि और बेहतर करें, और ये तो अभी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि उनको बेहतर लग रहा है कि नहीं, आप लोग डिसाइड करेंगे। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और बेहतर करें, और मुझे ऐसा लगता है कि किया भी है, बट वी लीव इट टू द ऑडियंस। एक एक्शन तो सुपर हिट होना है, वो जो करीना रिक्शा चला रही है, कुछ ये सीक्वेंस है ना करीना फिल्म में, क्या है ये? एक्चुअली बहुत ही फन सीक्वेंस है, जब एक्चुअली मैं बाजीराव सिंघम का पीछा ही कर रही हूँ और ये रिक्शा चला रही है, इट्स एक्चुअली अ रोमांटिक सीन, तो बहुत मजा आया रिक्शा चला के, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इज डन दैट ऑन स्क्रीन, फर्स्ट टाइम आई थिंक वी हैव डन इट। ओके, अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रमोशन करते हैं लोग, आजकल ज्यादातर फिल्मों का प्रमोशन होता है तो फिल्म से जुड़ी कोई चीज लेके प्रमोशन करते हैं, लेकिन ना तो आप लोगों ने वर्दी पहन के आपने प्रमोशन किया, ना करीना रिक्शे पे आई है, आपने ये नहीं सोचा कभी करने के लिए कुछ प्रमोशन इस तरह से करें फिल्म का? जब आदमी पैनिक करता है तो फिर वो सब ये सब गिमिक्स करता है, हमको लगा कि सिंघम को उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, सिंघम के जब डायलॉग्स जब फिल्म के होते थे हॉल में तो सीटियां बचती थी उसमें, सिंघम रिटर्न्स में भी वही उम्मीद है आपको? जी, आई थिंक इसमें भी डायलॉग्स कुछ ऐसे नए डायलॉग्स है, उम्मीद जरूर है कि सीटियां तालियां बजेंगी। तो कोई एक डायलॉग जो आपका इस फिल्म में हो, बहुत फेवरेट हो? बहुत सारे हैं। एक जो प्रोमो में आता है, सीधी बात सबकी उल्टी गिनती चालू, आई रियली लाइक दैट लाइन आल्सो। और करीना, आपका? आई लाइक जिसपे गाना भी बना है और सबके जुबान पे वही है, आजकल लता मजी सटकली। और रोहित, आपको बता था करीना के फेवरेट है हनी सिंह, इसीलिए आपने इस फिल्म में उनसे गाना, मैंने लड़ाई करी है, गाना डलवाया और सेल्फी भी कितनी वायरल हुई उसकी, वो जो आपने सेल्फी डाली हो वो भी कितनी वायरल हुई, वो वाली सेल्फी। बहुत फेवरेट आपके हनी सिंह? हाँ, आई थिंक सबका फेवरेट है वो, ही सॉन्ग्स आर वेरी एनर्जेटिक, यू लाइक टू डांस, एंड ऑफ कोर्स हनी सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके जो गाने हैं आई लिसन टू देम। कोई गाना आप उनका जो आपको बहुत पसंद हो? आप गा नहीं सकती, बट सारे गाने हो, चाहे वो अपनी फिल्म का ही बता दीजिए जो गाना। हाँ, तब अजी सटकली तो इज फैब, एंड इवन लुंगी डांस वॉज अमेजिंग, उनके सारे गाने हिट हो जाते हैं, कुछ भी गा देते हैं तो हिट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस फिल्म को लेकर जो आप फिल्म बनाते रहे तो बहुत सिंपल फिल्म होती है, उसमें एंटरटेनमेंट होता है, कॉमेडी होती है, एक्शन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप शायद कोशिश नहीं करते, लेकिन फिल्म में एक मैसेज होता है, क्या इस फिल्म में भी ऐसा कुछ है? मैं उस चीज को क्लेम नहीं करना चाहता, वो गलत होगा, क्योंकि जो मेन मोटिव है वो है एंटरटेन करने का ऑडियंस को,
एंड साथ ही साथ अगर देते हैं कि उसमें एक मैसेज है जो हम एक थिन लाइन छोड़ देते हैं हर फिल्म के साथ, इसमें तो है सिंघम है, सिंघम रिटर्न तो ऑब्वियसली है, बट वी डोंट वांट टू क्लेम दैट कि आइए देखिए कि मैं एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है, वो गलत होगा। और इस फिल्म की कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसमें करीना करोल वहीं जहां से काजल करोल था वहीं से आगे बढ़ता है या कुछ और? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कैरेक्टर के अलावा और सब कुछ बदल गया फिल्म में, इस फिल्म में तो सिर्फ एक कैरेक्टर ही सिंघम, बाजीराव सिंघम को उठा के एक नए सेटअप पे नई कहानी में नए कैरेक्टर्स के साथ रखा। आपकी जब फिल्म रिलीज होती है तो बिना कहे दर्शक जाते हैं थिएटर्स पे, क्या उम्मीद करते हैं इस फिल्म से आप, क्योंकि 15 अगस्त उसके बाद छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे मंडे, ये चार दिन में कितना कलेक्शन 100 करोड़? पता नहीं, मैं चाहूंगा कि सारे लोग जाए देखें और एक स्माइल के साथ लौटे जैसे हर फिल्म में होता है, खुश हो फिल्म देखकर। अब क्या बिजनेस होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, 15 अगस्त से जुड़ी, 15 अगस्त से जुड़ी आपकी कोई यादें हैं इसी बचपन की जो बताएं? वो जैसे करीना ने कहा कि सुबह बहुत जल्दी सब पहुंच रहे थे स्कूल जाने के, सब कुछ नहीं है और कोई चीफ गेस्ट आता था फिर स्कूल में एंड एंड फ्लैग होस्टिंग होती थी दैट्स दैट। आपको अजय कुछ याद है? नहीं, छुट्टी होती थी बस उसकी खुशी होती थी सिर्फ छुट्टी की सबको खुशी होती थी, जब दिन छुट्टी होती थी और कुछ भी नहीं। बट तब तब आप इतना रियलाइज भी नहीं करते ना कि बचपन में कि कितना इंपॉर्टेंस है इंडिपेंडेंस डे का, जब आप व्हेन यू ग्रो अप यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। करीना, आपकी लाइफ में आप किसको देखती हैं एज अ लेडी सिंघम? मेरी मॉम को, एंड टू मी माय मॉम इज लाइक माय गॉड, एंड जिस तरह की उनकी सोच है, जिस तरह शी इज ऑल्सो मूव्ड विद द टाइम्स, जिस तरह द वे शी इज सच अ स्ट्रांग लेडी, आई एम येट टू सी समबडी लाइक दैट। अजय, आपकी जिंदगी में लेडी सिंघम, इसके बारे में लेडी सिंघम, हाँ, आप किसको देखते हैं नजरिए से? बहुत सारी है, एक का नाम लेना प्रॉब्लम हो जाएगा एक दो का नाम ले दीजिए नहीं, आई थिंक माँ का नाम लेना ही करेक्ट है काजल का भी ले सकते हैं हाँ ले सकता हूँ कन्विंस नहीं है ज्यादा, ले सकता हूँ। रोहित, आप? मेरी मॉम है, वो मुझे आज भी वैसे ही मारती है जैसे सिंगर मारता है। एक्शन सीक्वेंस वहीं से कुछ उठाते हैं क्योंकि बड़े अनोखे अनोखे एक्शन सीक्वेंस होते हैं आपकी फिल्म में। मारने का स्टाइल वही है सेम दोनों का। डांटने का सबसे ज्यादा आपको करने का हक होता है, इसलिए वो जगह शायद हमने दी हुई है माँ को। इसके अलावा बताइए कि करीना, इस फिल्म में हनी सिंह के गाने के अलावा कौन सा ट्रैक है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? आई थिंक रोमांटिक ट्रैक भी बहुत अच्छा है एंड लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसको, जिस तरह से शूट भी किया है, कुछ तो हुआ है अंकित चौधरी ने गाया है एंड इट्स रियली नाइस, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अंकित तिवारी, अच्छा अंकित तिवारी, आई फॉर सम आई नो हिज नेम अंकित, आई नो हिज फेस, आई मेट हिम आल्सो, आई डोंट नो हिज नेम। कोई बात नहीं, इतना हो जाता है ना। सैफ कितने एक्साइटेड है आपकी फिल्म देखने के लिए लेडी सिंघम वाली? वो बहुत ही एक्साइटेड है, बल्कि ही इज वेरी एक्साइटेड जब मैंने ये फिल्म साइन की। रोहित के वो बहुत बड़े फैन है एंड ही लव्स टू सी अजय इन एक्शन रोल्स, तो बहुत ही एक्साइटेड है वो। लेकिन केरल में तो जा रही है जन्मदिन मनाना बाहर हमको छोड़ के जा रही है हम सब, अब देखिए फिर जाने जाने ही रहेंगे अच्छा अभी मेरा काम होगा फिल्म रिलीज, वो भी अभी ऑडियंस के ऊपर है आई थिंक। अजय, करीना बहुत प्रैंक खेलते हैं, बहुत बड़े प्रैंकस्टर बन जाते हैं। अजय, तो आपके साथ कुछ शूटिंग में उन्होंने कुछ ऐसा किया? बहुत ठंडे हो गए अभी इस फिल्म में, ही वाज वेरी काम। क्यों क्या? पहले बहुत करता था, बहुत हो गया, कुछ नया नहीं बचा इस फिल्म में। एक्चुअली हमें वक्त ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं, हमने 3 महीने में बनाई है और इतने बड़े ग्रैंड स्केल की फिल्म, मतलब करीबन 20-20 घंटा सबने काम किया, वो वक्त ही नहीं मिल पाया कि हम। आप एक चीज क्या थी जो आप चाहते थे कि आप सिंगर बनके रोहित से कहें और आप शूटिंग के दौरान नहीं कह पाए? नाइट शूटिंग ना करो, थक गए थे बहुत। नहीं, नाइट शूटिंग वैसे मैं करता नहीं हूँ, रोहित को पता भी है मैं शूटिंग नहीं करता हूँ, बट इस फिल्म में था प्रेशर क्योंकि हमको फिल्म वक्त पे कंप्लीट करनी थी, तो काफी नाइटें भी की। अर्ली मॉर्निंग शूट्स मत करो। अच्छा, नाइट में मत करो, अर्ली मॉर्निंग मत करो, बस 12 से 4 जितना हो जाए हो जाए। अच्छा, अपने हीरो रोम का आपको क्या बन करता था एक सिंगम बन के कि इनको एक चीज ये बोलूं? नहीं कुछ नहीं, दे वर वेरी सपोर्टिव, और हमारे जो हम तीनों साथ में काम करते हैं ऐसा कुछ फीलिंग आती नहीं कभी,
ज्यादा डिस्कशन होता ही नहीं है, बहुत कम लोग ये बात मानेंगे, बट हार्डली देयर इज एनी डिस्कशन या कोई ये मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं, वो होता ही नहीं है। हाँ, I don't think कभी हुआ है। कभी हुआ ही नहीं। हमारी स्क्रिप्ट लेवल पे भी जो शुरू में पिक्चर शुरू होने से पहले जब ये नरेट करता है तो 10 मिनट का डिस्कशन होता है। अच्छा, शायद ये सबसे अच्छा है कि डायरेक्टर जो चीज सोचे या जो बोले और वो एक्टर्स अगर समझ लें तो ये ट्यूनिंग बहुत कम होती है, और अगर ये ट्यूनिंग है तो शायद इसीलिए फिल्म निकल के इतनी अच्छी आती है। करीना, आप कितने कंफर्टेबल होते हो रोहित के साथ काम करने में? बहुत ही कंफर्टेबल हूँ एक्चुअली। द मेन रीजन ऑफ डूइंग दिस फिल्म इज रोहित शेट्टी। आई थिंक ऑल एक्टर्स वॉन्ट टू वर्क विथ हिम, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ रोहित इन 3 films, एंड जिस तरह से मुझे प्रोजेक्ट करता है वो आई रियली लव दैट। रोल बड़ा हो या छोटा, बट आई नो दैट यू नो पीपल विल रियली एंजॉय मी ऑन स्क्रीन। सही बात है। अभी बताइए, 15 अगस्त के दिन फिल्म रिलीज हो रही है, आप लोगों को किस तरह से कहेंगे कि हर इंसान सिंघम नहीं बन सकता, जिस तरह से लड़ाई करते हुए नहीं कर सकते, लेकिन एक आम आदमी किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि सिंघम एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी चीज है कि जो हर इंसान के अंदर होता है, बस उसे यूज करें, और उसके लिए आपको गुस्सा करने की या लड़ने की या लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सिंपल सा अच्छा भी काम करे तो वो आपका एक सिंगल मोमेंट है। किसी को सड़क क्रॉस करवा दिया या यू नो किसी की मदद कर दी टू मेक समबडी फील नाइस, दैट इज अ सिंगल मोमेंट। और इंडिपेंडेंस के दिन पे मुझे लगता है हम सब इंडिपेंडेंस मनाते हैं, जैसा कि हम बचपन में सुबह फ्लावर्स करके कहते हैं कि छुट्टी हुई, तो अगर अब रियलाइज होता है कि अगर इंडिपेंडेंस डे हमको आगे भी जिंदगी में मनाना है तो आई थिंक उसे इंटैक्ट भी रखना पड़ेगा, और वो हमारे हाथ में, क्योंकि पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब हमारी अपनी करप्शन से लड़ रहे हैं, तो आई थिंक लोगों को सिर्फ बिल्कुल वो मनाने का हक नहीं जब तक वो खुद ना खड़े हों इसके अगेंस्ट। कल एक अच्छा एक डिस्कशन हुआ था कि कह रहे थे कि कुछ पुलिस घूस लेती है, और जिस आदमी ने ये बात कही बोलता है मैंने घूस दी, तो मैंने पूछा कि नहीं, उसे ये नहीं कहा कि घूस दी, बोला कि हमारे यहाँ एक वो कोई बार है, उसके बाहर 18 साल के जो बच्चे हैं वो पीते हैं, तो पुलिस वाले घूस लेके छोड़ देते हैं। तो आई सेड ये 100% है कि तुमने भी घूस दिए, तो उसने बोला हाँ मैंने भी दिए। तो मैं बोला फिर पुलिस को क्यों ब्लेम करते हो, जब आप ही घूस दे रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, तो इट हैज टू बी बोथ वेज। आपको शुरुआत अपने से ही करनी होगी। करीना, आजकल जो कुछ भी चीजें हो रही हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो चीजें, उसको लेकर अवेयरनेस भी बहुत फैल रही है, आप क्या एक सिंगम मूवमेंट कहेंगे उन लड़कियों को जिनके साथ कभी कुछ गलत होता है या ऐसा उनको लगता है कि हो सकता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, आई फील टुडे ऑल द वुमेन आर ऑल इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वुमेन, दे आर वेरी वेल अवेयर कि क्या हो रहा है अपने सराउंडिंग्स में, एंड आई फील दैट दे शुड बी फियरलेस, दे शुड नॉट हैव अ थॉट इन द माइंड कि काम नहीं करना चाहिए, रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। सो मेनी पीपल, लाइक देर आर वुमेन कॉन्स्टेबल्स, देर आर वुमेन इंस्पेक्टर्स, देर आर वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, दे ऑल्सो हैव टू गो आउट इन द नाइट, बट वी शुड बी फियरलेस, दैट इज वन थिंग दैट आई बिलीव। चलिए, तो 15 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है और उम्मीद है कि आप सब जाएंगे और जरूर देखेंगे, क्योंकि एक्शन इसमें धमाकेदार है, करीना की कॉमेडी है, और इसके अलावा अजय देवगन का एक्शन है जो देखने के बाद पर्दे पर हर व्यक्ति ये जरूर कहता है कि वाकई सिंघम यही है, और सिंघम की परिभाषा भी शायद अजय ने तय की है, रोहित ने तय की है सिंघम में, और अब सिंघम रिटर्न्स उनकी आ रही 15 अगस्त को।